तो चलो आज सिंपल पोहा बनाएंगे। तो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो हम प्याज और लहसुन तो खा नहीं सकते, तो हम सिंपल से देखिए हमने पोहा यहाँ पे धो के सुखाने के लिए रख लिया है थोड़ी देर। अब हम यहाँ पे मूंगफली थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, कच्ची मूंगफली है, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च ली हुई है हमने। तो मूंगफली देखिए हमारी यहाँ पे हल्की हल्की फ्राई हो गई है, इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़े से हमने यहाँ पे हल्के हल्के ड्राई फ्रूट ले रखे हैं, बादाम और काजू, इन्हें भी हम हल्का हल्का यहाँ पे फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इन्हें भी। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी डालेंगे ताकि ये जले ना और अच्छे से भुन जाएं। तो हमारी काजू और बादाम दोनों यहाँ फ्राई हो गए हैं। अब हम कढ़ाई पे यहाँ पे तेल डाल लेंगे। तेल को यहाँ पे गर्म होने के लिए रहने देंगे थोड़ी देर। तो हमारा यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल लेंगे और ये सरसों भी डाल लेंगे, सरसों के दाने। और जो कड़ी पत्ता है इसे भी डाल लेंगे और हरी मिर्च काटी हुई है हमने, हरी मिर्च भी डाल लेंगे इस पे और हल्दी पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। और अच्छे से थोड़ा मसालों को हम यहाँ पे भून लेंगे तेल में। आपने भी पोहा कई बार बनाया होगा, इस तरीके से भी क्या पता बनाया हो या ना बनाया हो। अगर ना बनाया है तो बना के ट्राई कीजिए। थोड़ा सा यहाँ से हम गरम मसाला भी डाल लेंगे और जो हमने पोहा यहाँ पे धो के रखा हुआ है इसे इसके ऊपर डाल लेंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे पोहा पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे थोड़ा सा इन्हें हमने कूट लिया है। तो हमारा यहाँ पे पोहा बन के तैयार हो गया है और हम इसे मूंगफली डाल लेंगे ऊपर से और थोड़ा सा नींबू भी लिया हुआ है हमने और जो ड्राई फ्रूट है उन्हें भी डाल लेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे, हरा धनिया से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पोहा बन के तैयार हो गया है। आप भी मेरी इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।